10K सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 3 वीडियोस। हाँ ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे इम्पॉसिबल चीजें ही पॉसिबल हैं। पहली वीडियो पे देखो 100K+ views और सेकंड वीडियो पे देखो 60K+ views। अब तुम लोग ये ना सोचना कि इस चैनल से हम अपना चैनल कंपेयर कर रहे हैं, नहीं यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। कहाँ वो एक एनिमेटर है और कहाँ हम। एक मिनट, आखिर हम हैं तो हैं का। खैर मेरा कंटेंट जो भी हो वो तो हमें नहीं पता, बट हमें इतना तो पता है कि ये सिर्फ एक एनिमेटर नहीं है बल्कि एक थर्ड क्लास एनिमेटर है। अच्छा वैसे मैं ये बात बोलने में कितनी अजीब लग रही है, और खासकर सिकनिक को बोलने में कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है, क्योंकि अगर थर्ड क्लास एनिमेटर सिकनिक है तो फिर ये लोग कौन है। ये लोग एनिमेशन के नाम पे कुछ भी बना रहे हैं यार। अब क्योंकि हमें भी पता है कि एनिमेशन करने में करेजा फट जाते हैं। ए रुको रुको, ऐसा डायलॉग तुमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ बोला था ना। हाँ शायद, तो अपने सब्सक्राइबरन का काय पका रहे हो, सीधे पॉइंट पे आओ ना। वैसे में बात तो सही है। तो तुम्हें नहीं पता है तो हम तुम्हें बता देते हैं कि ये एक मोबाइल एनिमेटर है, बट एनिमेशन इतनी खतरनाक करता है कि तुम बिलीव ही नहीं करोगे कि ये मोबाइल एनिमेटर है। लाइक सीरियसली, वीडियो क्वालिटी देख के कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है यार। और शायद तुम्हें ये लग रहा होगा कि इतनी अच्छे एनिमेशन क्वालिटी की वजह से ही इसका चैनल ग्रो कर रहा है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो तो वहीं रुक जाओ यार, क्योंकि यूट्यूब कब से ऐसा करने लगा। अगर क्वालिटी कंटेंट ही चलता होता तो इनकी जैसी वीडियो सिर्फ 900 व्यूज पे ही ना अटकती, और इनकी जैसी वीडियोस को 50K+ views भी ना मिलते। और बात रही सिकनिक की, तो उसे व्यूज मिले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आरजी बकेट लिस्ट। तो अगर तुम्हें आरजी बकेट लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो हम तुम्हें बता देते हैं कि हम नहीं बताने वाले हैं उसके बारे में तुम्हें, वो इसलिए क्योंकि नहीं है मन बताने का। लेकिन इसके बारे में अगर शॉर्ट में समझाएं तो ये छोटे छोटे एनिमेटर्स के देवता हैं, क्योंकि ये कीवर्ड कोई भी यूज कर ले उसके व्यूज आ ही जाते हैं। तो बस यही चीज का फायदा सिकनिक ने भी उठाया, उसको भी पता था कि अगर इनके जैसे चिरकुटों के व्यूज आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं, मेरी तो एनिमेशन भी बढ़िया है। तो यही सोच के सिकनिक ने भी बना दिया थंबनेल में आरजी, और ये लो मिल गए 100K+ views। इस वीडियो में आरजी दूर दूर तक नहीं दिखा है, और अगर कहीं दिखा ही है तो वो है थंबनेल में। और ये काफी सच में सक्सेसफुल ट्रिक है, ये जिसने भी किया है उसके जहाँ तक व्यूज आए हैं। और हाँ ये सुनने के बाद अब तुम भी ना वीडियो बना देना आरजी पे, क्योंकि किस्मत नाम की चीज भी होती है यार, जैसे कि मेरी किस्मत देख लो कितनी बढ़िया है। खैर जो भी हो, हमारा मेन मुद्दा ये है कि आखिर ये सिकनिक थर्ड क्लास एनिमेटर क्यों और कैसे है। जिनको थर्ड क्लास एनिमेटर बोलना चाहिए उनको तो हम बोल नहीं रहे हैं, और हम बोल उसको रहे हैं जो नेक्स्ट लेवल एनिमेशन कर रहा है वो भी मोबाइल पे, उसको हम थर्ड क्लास एनिमेटर बोल रहे हैं। तो देखो सुनो वो भी गौर से, फिर बाद में ना बोलना की ओए हेलो बहुत देर से बकवास सुन रहे हैं तुम्हारी, सीधा पॉइंट पे आ जाओ वरना छाती पैसा घुसा देंगे मिला के पूरे घर में फैले फैले घूमोगे। अरे यार बता रहे हैं काहे पर परेशान हो रहा हूं। हाँ तो इसकी कोई डीप वजह तो नहीं है, बट इसकी वीडियोस में जो इसने बैकग्राउंड यूज किए हुए हैं वो इसने नहीं बनाए हैं बल्कि इसने कहीं से उठाए हुए हैं। ओके कर दिया ना प्रूफ, बट वेट सिर्फ यही रीजन नहीं है इसके थर्ड क्लास एनिमेटर होने की, बल्कि ये पूरा का पूरा बंदा ही थर्ड क्लास है। हमें नहीं पसंद इसकी एनिमेशन। बैक बेटा मुझे लगता है कि तू भूल रहा है कि मैं भी तेरे वीडियोस देखता हूँ। अरे सिकनिक भाई आप, हाँ तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। ओए रुक, इतनी देर से क्या बकवास कर रहे थे मेरे बारे में। बकवास का बात कर रहे हो भैया, यार भोला बनने की जरूरत नहीं है, सब सुन लिया है मैंने। थैंक यू सिकनिक भाई वीडियो में आने के लिए। और हाँ तुम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मिलो वाक्य अभी बहुत सी बातें अधूरी रह गई है।